नमस्कार HBNN पर देखिए खास समाचार। एक विकलांग युवक की हत्या के मामले में बड़ा फैसला आया है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुशीला वर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि जुगनू गांधी की हत्या संदीप मेहरा ने की थी। इस मामले में आज न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा सबूतों को नष्ट करने के मामले में 7 वर्ष का अलग से कारावास दिया गया है। हत्या का यह मामला 29 अक्टूबर 2017 का है। आरोपी ने जुगनू के सिर पर पत्थर से हमला किया था। इसके बाद घायल अवस्था में जुगनू को पहले इटारसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत होने पर उसे भोपाल रेफर किया गया था। उपचार के दौरान जुगनू की मौत हो गई थी। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता भूरे सिंह भदौरिया ने पैरवी करते हुए 46 दस्तावेजों के साथ 11 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि इस मामले में ASI संजय रघुवंशी ने तफ्तीश की थी और इस कत्ल का खुलासा किया था। दरअसल यह मामला पेंडिंग हो गया था और सबूत नहीं मिलने के कारण इसे बंद करने की कगार पर पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन संजय रघुवंशी द्वारा विशेष प्रयास किए गए और आरोपी को पकड़ लिया गया। दरअसल जुगनू गांधी विकलांग था और शहर के सभी लोगों से हंसी मजाक किया करता था, और जिस दिन जुगनू पर हमला हुआ उस समय वह रात में मृत्युंजय टॉकीज के पीछे जाकर आरोपी संदीप मेहरा के बाजू में सो गया था। उसी दौरान किसी बात पर विवाद हुआ और संजय मेहरा ने जुगनू गांधी पर पत्थर से हमला कर दिया। दूसरे दिन लहूलुहान अवस्था में जुगनू गांधी मिला था, जिसे सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था। बाद में उपचार के दौरान भोपाल में उसकी मौत हो गई। इस मामले में सबूत जुटाने के लिए संजय रघुवंशी ने काफ़ी प्रयास किए और यहां आसपास लगे CCTV कैमरों की नज़र से कैमरों की मदद से इस कत्ल का खुलासा किया। तो बने रहिए HBNN के साथ और देखते रहिए खास खबरें।